कोतमा तहसील कार्यालय के पास श्रमिक मजदूर सहायता केंद्र खोला गया है ताकि बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों को उसी स्थान पर चाय नाश्ता कराने के बाद वाहन की व्यवस्था कर उन्हें उनके क्षेत्र तक भेजा जा सके। अनूपपुर जिला कलेक्टर के निर्देशन पर कोतमा SDM अरुण मिश्रा के द्वारा श्रमिक मजदूर सहायता केंद्र कोतमा तहसील के सामने इस बात का गठन किया गया। इस बात का गठन इस चीज़ के लिए किया गया कि बाहर से आने वाले जो मजदूर कोतमा में आकर रुकते हैं उन्हें यहां पर उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, साथ ही उनके लिए चाय नाश्ता और भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। दोपहर के समय यदि वो मजदूर पहुँचते हैं तो उनके लिए छाछ की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही जो मजदूर जहां भी जाना चाहते हैं शासकीय अनुमति के साथ उनके लिए वाहन की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि वे पैदल के सहारे ना सही वाहनों के सहारे अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सकें। इस बात को लेकर लोगों में काफ़ी सांत्वना है, मजदूरों में काफ़ी सांत्वना है कि कम से कम उन्हें भोजन पानी की व्यवस्था के साथ अपने गाँव जाने के लिए वाहन की व्यवस्था भी उपलब्ध हो रही है। जिस चीज़ों को लेकर गरीब मजदूरों के अंदर एक ऐसी भावना भी पैदा हुई कि कम से कम सरकार ने उनके लिए कुछ सोच तो बेहतर ढंग से रखा है।